Hello students, I am Dr. Smita Jain. Today in this video, I am going to explain about plant tissue culture. Plant tissue culture का क्या concept है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम plants को natural grow कर सकते हैं, तो फिर हम plant tissue culture के through artificially plants को क्यों grow करते हैं और इसका technique क्या है? Okay, now one by one we will discuss about significance, techniques, types and applications of tissue culture. First of all, you must know what is plant tissue culture. यह एक टेक्निक है जिसमें प्लांट सेल्स को या किसी प्लांट से आइसोलेट किए हुए उसके टिश्यू को आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया जाता है अंडर स्टराइल एंड स्पेसिफिक controlled conditions like specific pH, specific temperature and light conditions, specific oxygen requirement, etc. जब ये cells grow करती हैं, तो इन cells को under influence of plant growth regulators जैसे auxins, cytokinins, इन cells की growth करवाकर इनसे नए plants भी regenerate करवाए जा सकते हैं। ये technique कहलाती है plant tissue culture, यानी कि cultivation of plant cells in artificially prepared nutrient culture medium. यहाँ आप देख सकते हैं कि एक leaf है या कोई भी plant part आप ले सकते हैं, आप stem ले सकते हैं या shoot tip ले सकते हैं. यहाँ हम इसके छोटे-छोटे pieces करते हैं जिन्हें explant कहा जाता है और इन्हें isolate करके इन्हें solid या liquid medium में रखा जाता है. Nutrition culture media से cell nutrition लेती है और cells grow करती हैं. ग्रोथ के बाद सेल अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनाती हैं जिन्हें कैलस कहा जाता है. अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सेल्स का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है. इट इज जस्ट अ मास ऑफ सेल्स. बाद में इस कैलस को अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्लांट भी रीजनरेट करवाए जा सकते हैं. ओके, ही इज हैबरलैंड. इनको हम फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहते हैं. ही वॉज द फर्स्ट टू कल्चर एसेप्टिकली सेल्स एसेप्टिकली इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन. इन 1902 हैबरलैंड ने ही हमें टोटिपोटेंसी के बारे में बताया कि सिंगल प्लांट सेल हैज द कैपेसिटी टू रीजनरेट इनटू अ होल प्लांट एंड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स can return to the state of totipotency. Okay, now let's discuss about the objectives of plant tissue culture. Plant tissue culture के through एक small piece of tissue से large quantity में plants को ready या propagate किया जा सकता है with less expense, less time and they are more economically. प्लांट टिश्यू कल्चर से डिजीज फ्री प्लांट्स रेडी कर सकते हैं. इसके लिए प्लांट से उस टिश्यू को आइसोलेट किया जाता है जो डिजीज फ्री या वायरस फ्री हो. फिर उस टिश्यू को कल्चर करके होल प्लांट के फॉर्म में रीजनरेट किया जाता है. कुछ प्लांट्स जो रैपिडली ग्रो नहीं करते, उन प्लांट्स को भी हम आर्टिफिशियल टिश्यू कल्चर मीडिया में रैपिडली ग्रो करवा सकते हैं. आर्टिफिशियली जनरेटेड सेल्स में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या डीएनए मैनिपुलेशन भी करवाया जा सकता है जिससे कि जेनेटिकली इम्प्रूव प्लांट्स भी हम बना सकते हैं. प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के थ्रू सेल्स की जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और ये कहलाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन. बिकॉज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में आप क्या करते हैं, दो सोमेटिक सेल्स को फ्यूज़ करते हैं. कुछ केसेस में अगर सीड्स अवेलेबल नहीं हैं या एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन है, तो उन केसेस में भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर से नए प्लांट्स रीजनरेट करवा सकते हैं. नेक्स्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव है और इम्पॉर्टेंट है, वो है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग. इसके थ्रू हम सेल्स की जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिंथेसिस की कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं ताकि प्लांट सेल्स से जो हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं उनको हम कॉमर्शियली प्रोड्यूस कर सकें.
पहले टिश्यू कल्चर के पूरा एक्सपेरिमेंट समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आपको टिश्यू कल्चर में चाहिए रहते हैं। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट जितने भी मटेरियल्स हैं लाइक वेसल्स हैं मीडिया है उन सबको आपको क्या करना पड़ता है सेल सरफेस स्टिलाइजेशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो आप ग्लासवेयर्स यूज़ करते हैं उनको आप वॉश करते हैं फिर डिस्टिल वाटर से उनको रिंस करते हैं और उनको अवन के अंदर आप ड्राई हॉट कर लेते हैं जिससे कि वो प्रॉपर स्टिलाइजेशन हो जाए। फिर जो मीडिया आप बनाते हैं उसको ऑटोक्लेव करते हैं बार बार लैमिनर एयर फ्लो में। जब आप काम करते हैं तो अपने हैंड्स को और उसकी बेंच को आप 70% एथेनॉल से वाइप करते हैं। तो हर स्टेप पे हम ये प्रिकॉशन लेते हैं कि जो प्रॉपर कंटेमिनेशन है वो मीडिया में या आपके एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ना जा पाए। ये ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव में आप मीडिया बना के उसको ऑटोक्लेव से क्या होता है उसका स्टरलाइजेशन हो जाता है। जब किसी भी चीज़ को हम ऑटोक्लेव में रखते हैं तो 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 15 पॉन्स प्रेशर पे यदि हम उसको 15-20 मिनट तक रखते हैं तो प्रॉपर उसका स्टरलाइजेशन हो जाता है। ये लैमिनर एयर फ्लो है ये आपको प्रोवाइड करती है एक बैक्टीरिया फ्री ब्रांच बेंच होती है और यहाँ पर बैठकर ये आप क्या करते हैं अपना इनोकुलेशन करते हैं। इसके अंदर यूवी लाइट्स भी लगी रहती हैं और बैक्टीरिया फिल्टर्स लगे रहते हैं। तो यहाँ पर जब भी जो भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं सपोज आपका मीडिया है फॉसेप्स हैं इंस्ट्रू बाकी और आपके स्प्रिट लैम्प वगैरह है उनको आप इसके अंदर रख के पहले यूवी देते हैं हाफ एन आवर के लिए जिससे कि उनका प्रॉपर सरफेस स्टरलाइजेशन हो जाए और उसके बाद फिर हम इस बेंच पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे कि ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर वहाँ पर आपको स्टराइल एनवायरनमेंट मिलता है पूरा डिसइनफेक्टेंट होता है। उसी तरह से प्लांट टिश्यू कल्चर के एक्सपेरिमेंट में भी हमें हर स्टेप पर ये ध्यान रखना होता है कि हमारे जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स हैं उनको कंटेमिनेशन ना हो अदरवाइज दे विल फेल टू ग्रो। ओके नाउ स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया बनाने के लिए हम सबसे पहले जो भी आपके मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके हम स्टॉक सॉल्यूशंस बना लेते हैं फिर उनको एप्रोप्रिएट डाइल्यूशन करते हैं उनका और उनकी क्या करते हैं हम पीएच एडजस्ट करते हैं। पीएच एडजस्ट करने के बाद सपोज पीएच हम रखते हैं 5.8 से 6 के बीच में और उसके बाद फिर हम उनको क्या करते हैं उसके अंदर अगार डालते हैं। अगार जब आप डालें तो उसको कॉन्टीन्यूसली स्टर करते जाएं जिससे कि नहीं तो लंप फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद उनको हम कल्चर ट्यूब्स में या फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। उनका जो माउथ है उसको हम टाइटली क्लोज कर देते हैं और फिर हम उनको ऑटोक्लेव करते हैं जिससे कि उनका स्टरलाइजेशन हो जाए और उसके बाद फिर हम उनको नाउ दे आर रेडी फॉर द इनोक्यूलेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर मीडिया अलग अलग टाइम पर कुछ कुछ अलग अलग टाइप्स के मीडिया बने उसमें सबसे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। जैसे वाइट्स मीडिया है ये अर्लीस्ट प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया था और ओरिजिनली इसको बनाया गया था फॉर द रूट कल्चर्स। सेकंड आप देख सकते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए मीडिया है एमएस मीडिया जिनका एमएस दैट इज मुराशी एंड स्कूग इन 1962 उन्होंने ये मीडिया दिया था। उसी तरह से लिंसमियर एंड स्कूग ने भी 1965 में एक मीडिया दिया था और ये ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए बेस्ट है। जब भी हम ये प्लांट रिजनरेशन करते हैं तो हम एमएस मीडिया ही यूज़ करते हैं। फिर B5 मीडियम है ये अधिकतर कैलस कल्चर्स में काम आता है। N6 मीडियम है उसके अलावा हम PDA दैट इज पोटैटो डेक्सट्रोस अगार मीडिया भी बनाते हैं या सिंपल न्यूट्रिएंट अगार मीडिया भी बनाते हैं फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिम फॉर द फंगल एंड बैक्टीरियल ग्रोथ क्योंकि उनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो हायर प्लांट से कम होती है तो उनको हम सिंपल मीडिया में भी ग्रो कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर मीडिया।
कल्चर मीडिया के अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स में। मैक्रो एलिमेंट्स वो होते हैं जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए रहते हैं प्लांट्स को, और माइक्रो जिनकी स्मॉल क्वांटिटी ही सफिशियंट होती है। तो मैक्रो एलिमेंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। माइक्रो बोरोन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, निकल, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। फिर ऑर्गेनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? कार्बन सोर्सेज हो सकते हैं जो कि हम शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स डालते हैं। विटामिन्स हम डालते हैं, थायमिन है, राइबोफ्लाविन है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनेंस, एब्सेसिक एसिड, और सॉलिडिफाइंग एजेंट्स जो कि हम जनरली अगार यूज़ करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके फंक्शन क्या हैं। नाइट्रोजन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है। पोटेशियम ये रेगुलेट करता है ऑस्मेटिक पोटेंशियल को। कैल्शियम सेल वॉल सिंथेसिस में काम आता है, मेम्ब्रेन फंक्शन में। मैग्नीशियम एंजाइम फैक्टर है, एंजाइम को फैक्टर है और कंपोनेंट भी है क्लोरोफिल का। फॉस्फोरस कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स है। सल्फर ये भी कंपोनेंट ऑफ सम न्यूक्लिक एसिड लाइक मीथियोनिन एंड सिस्टीन का ये सल्फर कंपोनेंट होता है। क्लोरीन किस में काम आता है? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। आयरन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एज ए कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम्स। मैगनीज एंजाइम कोफैक्टर है। कोबाल्ट कंपोनेंट ऑफ सम विटामिन्स। कॉपर एंजाइम कोफैक्टर है। जिंक एंजाइम कोफैक्टर है एंड क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस में भी इसका यूज होता है। मॉलिब्डेनम भी क्या है? एंजाइम कोफैक्टर है एंड इट इज कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। नाउ सॉलिडिफाइंग एजेंट्स, उसमें हम यूज करते हैं अगार। अगार को हम यूज करते हैं। अगार की ये स्पेशलिटी है कि इट डू नॉट रिएक्ट विद द मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इसकी कोई खुद की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं होती है। अगार स्पेशली हमें मिलता है रेड एल्गी से, फ्रॉम द जेनेरा जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। उसके अलावा जो अनादर जेलिंग एजेंट है वो हम यूज करते हैं जेल राइट। जेल राइट एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है और इसको हम कॉमर्शियली यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है स्टॉक सॉल्यूशंस में कि हमें कितने मिलीग्राम उनको पर लीटर यदि स्टॉक सॉल्यूशन मिलाना है तो आपको कितना ये एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट में दे रखा कॉन्सेंट्रेशन एट मीडियम कि इन इस स्टॉक सॉल्यूशन में कोक आपको कितना क्वांटिटी लेनी है यदि आपको 1 लीटर मीडिया बनाना है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये क्या करते हैं? ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ टिश्यूज के लिए क्या है और तभी पॉसिबल है जबकि हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में डालेंगे। इन्हीं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आप डिसाइड करेंगे कि आपको मल्टीपल शूट बट मीडिया चाहिए या यू वांट टू फॉर्म अ कैलस फ्रॉम योर एक्सप्लांट, या आपका यदि मल्टीपल बड्स बन गए हैं तो आपको उनको इलोंगेशन करना है तो आपको इलोंगेशन मीडिया के लिए डालना पड़ेगा हॉर्मोन्स, या आपके शूट्स भी इलोंगेट हो गए हैं इफ़ यू वांट टू रीजनरेट द रूट, या आपको रूट इनिशिएशन चाहिए तो ये आपको अलग हॉर्मोन डालना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से ये ग्रोथ रेगुलेटर्स का अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अलग अलग काम होता है। तो मेजर क्लासेस कौन सी हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की? ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनेंस, एब्सेसिक एसिड एंड इथाइलिन। कुछ जो ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स नेचुरली पाए जाते हैं प्लांट्स में और कुछ सिंथेटिक होते हैं, मैनमेड होते हैं। दोनों ही ग्रुप्स का ये काम होता है सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, रूट एंड शूट ग्रोथ एंड सेनेसेंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या प्रमोट करता है? सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। प्राइमरी प्लांट ऑक्सिन कौन सा है? IAA, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड। और जो सिंथेटिक फॉर्म्स हैं ऑक्सिन की उनके नाम है IBA, दैट इज इंडोल 3-ब्यूटायरिक एसिड एंड नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, दैट इज NAA 2,4-D, दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और ये किस में यूजफुल है? फोटोट्रॉपिज्म में, जियोट्रॉपिज्म, एपिकल डोमिनेंस एंड रूट फॉर्मेशन।
जिब्रेलिन्स, इनको हम कॉमनली जिब्रेलिक एसिड जीए भी कहते हैं। कॉमर्शियली ये इनकी सप्लाई किससे होती है, फ्रॉम द फंगस जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई। ये स्टिमुलेट करते हैं स्टेम ग्रोथ थ्रू सेल इलोंगेशन एंड सेल डिवीजन। और ये जो हॉर्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, इट इंड्यूसेस ड्वार्फ स्टंटेड प्लांट्स टू इलोंगेट। साइटोकाइनेंस, साइटोकाइनेंस ये प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन और ये डिले ऑफ लीफ एजिंग। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज साइटोकाइनेंस हैं 6-बेंजाइल अमीनोप्यूरिन दैट इज BAP एंड 6-बेंजाइल एडेनिन दैट इज BA। और जो नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है वो है जियाटिन। इथाइलिन, इथाइलिन एक गैस है दैट फॉर्म्स इन टिश्यू अंडरग्रोइंग स्ट्रेस। इट इज इम्पॉर्टेंट इन फ्रूट राइपनिंग प्रोसेसेस। इथाइलिन इफेक्ट सेल ग्रोथ एंड सेल शेप। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड वॉज ओरिजिनली बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन एब्सिसन। दिस इज नाउ नोन टू बी द केस इन अ स्मॉल नंबर ऑफ प्लांट्स। एब्सिसिक एसिड मेडिएटेड सिग्नलिंग ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन प्लांट रेस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड प्लांट पैथोजन्स। मतलब ये क्या करते हैं, एब्सिसिक एसिड क्या ये ट्रांसलोकेट होते हैं टू द लीव्स में, वेयर इट रैपिडली ऑल्टर्स द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। जिससे क्या होता है कि वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को क्या करते हैं, ऑल्टर कर देते हैं, जिससे कि जो स्टोमेटल गार्ड सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाती हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ये पैथोजेंस को भी एंटर करने से रोकते हैं। और ये अंडर यदि हाई टेम्परेचर है या हॉट एनवायरनमेंट है तो भी इनको स्टोमेटा को ये क्लोज कर देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट, प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जिस तरह का आपका एक्सप्लांट होएगा उसी तरह के आपके जो भी टिश्यू कल्चर प्लांट्स बनेंगे। तो एक्सप्लांट के लिए सबसे पहले आपको मदर प्लांट को सेलेक्ट करना है। उसके लिए आपको एक सर्वे करना होगा बिफोर डूइंग दिस टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स। उसके लिए आप एक इलीट प्लांट सेलेक्ट करेंगे। इलीट मीन्स द बेस्ट प्लांट, जिसका यील्ड बेस्ट हो या जो डिजीज फ्री हो और हर तरह से वो प्लांट हेल्दी हो। तो उस प्लांट को आप लोकेट करेंगे और फिर आप आइस बॉक्स ले जाके उस प्लांट्स की जो कटिंग्स हैं वो लैब में लेकर आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके पीसेस करने हैं या जो भी आपको प्लांट प्लांट चाहिए एज एन एक्सप्लांट वो आप उसमें से निकालेंगे। सपोज आपको शूट टिप चाहिए या यू वांट टू दिस स्टेम चाहिए, लीफ चाहिए, वो प्लांट्स आप उसमें से निकाल लेंगे, वो क्या कहलाता है, आपका एक्सप्लांट कहलाता है। उसके बाद जो भी आप लेके आए हैं फील्ड से उनको आप रनिंग वाटर टैप वाटर में अच्छे से वॉश करते हैं, फिर उनको डिस्टिल वाटर में वॉश करते हैं, जिससे कि जो भी उनके सरफेस पे सॉइल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगे हैं वो एक बार वॉश हो जाए। फिर उसके बाद हम उनको कहाँ पर लेके जाते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ एक्सप्लांट को अब हम लैमिनर एयर फ्लो के अंदर लेके जाते हैं। लैमिनर एयर फ्लो के अंदर हम इनको वापस से वॉश करते हैं विद 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन, जिससे कि उनका सरफेस जो होती है वो डिसइंफेक्टेंट हो जाए। ये जो सॉल्यूशन, अब जो भी हम लैमिनर एयर फ्लो के अंदर काम करते हैं वो हम करते हैं स्टरलाइज डिस्टिल वाटर से, मतलब वो डिस्टिल वाटर जिसको कि हम ऑटोक्लेव कर चुके हैं। फिर इसको HgCl2 से ट्रीट करने के बाद 2-3 times हम इसको वापस स्टरलाइज डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं, जिससे कि जो ये पॉइजनस मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन के रेमेनेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाए। नाउ दिस एक्सप्लांट इज रेडी फॉर द इनोक्यूलेशन। अब हम इनको लैमिनर एयर फ्लो के अंदर ही कल्चर मीडिया के अंदर डालते हैं, और जिससे कि थोड़े टाइम बाद और फिर हम उनको ग्रोथ रूम्स में रखते हैं, और जिससे कि आपको ये सेल्स प्रोलिफरेट हो जाती हैं और जो कैलस है वो बनने लग जाता है। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, सॉलिडिफाई मीडिया हो सकता है या सस्पेंशन कल्चर हो सकता है जिसमें कि हम अगार नहीं डालते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एक्सप्लांट, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लांट मतलब कौन सा पार्ट आपने एज एन एक्सप्लांट यूज़ किया है, उसके बेसिस पे एम्ब्रियो कल्चर हो सकता है, पोलन ग्रेन कल्चर, एंथर कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, शूट टिप कल्चर, एपिकल मेरिस्टम कल्चर, और यदि हम सीधे किसी भी एक्सप्लांट से कैलस बना रहे हैं तो वो कहलाता है कैलस कल्चर।
ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैलस कल्चर। कैलस जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, ये क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स हैं विच मे ऑल्सो एम्प्लॉयड टू फॉर्म डिफ्रेंशिएटेड प्लांट ऑर्गन्स बाई यूजिंग न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया। तो सबसे पहले इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने जो भी प्लांट लिया उसके बाद उनसे टिश्यूज आइसोलेट किए, उनको अपने कल्चर मीडियम में डाला, तो जो मैच्योर नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं दे जनरेट द कैपेसिटी टू डिवाइड डैम सेल्स। ये क्या कहलाता है, डी डिफ्रेंशिएशन। नाउ सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स हो जाता है इस डी डिफ्रेंशिएशन से, वो क्या कहलाता है, कैलस। और फिर इस कैलस से हम जनरेट कर सकते हैं होल प्लांट को अंडर रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये चीज़ कहलाती है री डिफ्रेंशिएशन। नाउ मेरिस्टेम टिप कल्चर। मेरिस्टेम इज द मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स फाउंड एट द एक्सट्रीम अपर मोस्ट टिप ऑफ द शूट एंड रूट, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। शूट टिप कल्चर। शूट टिप जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, इट इज द अपर मोस्ट एपिकल पार्ट ऑफ द शूट विच कंटेन्स एपिकल मेरिस्टेम प्लस 1-3 लीफ प्राइमोर्डिया। मेरिस्टेम टिप एंड शूट टिप, इनको हम यूज करते हैं फायरस फ्री प्लांट्स ग्रो करने के लिए थ्रू माइक्रो प्रोपगेशन। प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मिक्सिंग इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्रोटोप्लास्ट को हम मैकेनिकली या एंजाइमेटिक मेथड से इनको हम निकाल सकते हैं। यदि मैकेनिकल मेथड थोड़ा लेस इफेक्टिव है क्योंकि इसमें सेल्स ज़्यादा खराब होती हैं, एंजाइम अधिकतर हम लैब्स के अंदर एंजाइमेटिक मेथड यूज़ करते हैं। ये एक ग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है डायग्रामेटिकल कि आप किस तरह से प्रोटोप्लास्ट कल्चर हम करते हैं। सपोज आपने लीफ लिया, यू कैन टेक एनी पार्ट, उसको हम प्लेस कर देते हैं हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में, मींस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, जिससे क्या होएगा, जो सेल वाटर लीक्स होएगा टू हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन एंड सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेपरेट हो जाएगी सेल वॉल से। सेल्स नाउ दे आर प्लेस्ड इन द एंजाइम सॉल्यूशन। एंजाइम सॉल्यूशन लाइक सेल्यूलेज या पैक्टिनेज, जिससे क्या होगा, सेल वॉल का लाइसिस हो जाएगा। उसके बाद हम इनका सेंट्रिफिकेशन करते हैं जिससे कि सेपरेट हो जाता है सेल वॉल मटेरियल और प्रोटोप्लाज्म निकल के बाहर आ जाता है। अब जो ये सेपरेटेड प्रोटोप्लाज्म मिल गया, इसको हम प्लेस कर देते हैं सॉलिडिफाई कल्चर मीडिया में। जब हम इसको मीडिया के अंदर डालते हैं तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन एंड सेल वॉल सिंथेसिस स्टार्ट्स। तो जो भी अलग अलग प्रोटोप्लाज्म है वो रैंडमली आपस में फ्यूज हो जाते हैं और सेल वॉल सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। तो सेल डिवीजन तभी स्टार्ट होएगा जबकि सेल वॉल सिंथेसिस हो जाता है। फिर सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, कैलस फॉर्मेशन होता है, फिर सेम कैलस को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में रखते हैं और अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ रेगुलेटर्स जो भी इनका कॉम्बिनेशन है हम रूट और शूट डेवलप कर सकते हैं। एंथर कल्चर। एंथर कल्चर ये भी एक टेक्निक है बाय विच द डेवलपिंग एंथर्स एट अ प्रिसाइज एंड क्रिटिकल स्टेज आर एक्साइज्ड, मतलब उन्हें निकाला जाता है एसेप्टिकली फ्रॉम अनओपन फ्लावर बर्ड्स एंड आर कल्चर्ड ऑन ए न्यूट्रिएंट मीडियम वियर द माइक्रोस्पोर्स विद इन द कल्चर्ड एंथर डेवलप इनटू कैलस टिश्यूज और एम्ब्रॉइड्स दैट गिव राइज टू द हैप्लॉइड प्लांटलेट्स इधर थ्रू ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस। मीन्स जो एंथर्स हैं उनको हम एसेप्टिकली, आपका आप एक्सप्लांट क्या है, एंथर्स हैं उनको आप एसेप्टिकली निकालते हैं, उनको आप डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस करा सकते हैं या उनको आप एम्ब्रियोजेनेसिस करा सकते हैं जिससे कि हमें क्या मिलेंगे, सोमेटिक एम्ब्रियोज मिलेंगे। इसी तरह से पोलन और माइक्रोस्कोप कल्चर है, इसके थ्रू इसके लिए भी हम क्या करते हैं, जो पोलन्स हैं और ये भी एक इन विट्रो टेक्निक है जिससे हम पोलन ग्रेन्स को यूनिन्यूक्लिएट स्टेज पे प्रिफर करते हैं हम, दे आर स्क्वीज्ड आउट एसेप्टिकली फ्रॉम द इंटैक्ट एंथर और फिर उनको हम न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर करते हैं विदाउट, जिससे कि क्या हो जाते हैं, उनसे हम हैप्लॉइड एम्ब्रियोइड्स बना सकते हैं और उसके थ्रू हम थोड़ा कंप्लीट प्लांटलेट्स रीजनरेट कर सकते हैं। नाउ जस्ट वन बाय वन ग्रो थ्रू द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। प्रिपरेशन ऑफ मीडिया एंड स्टेलाइजेशन इन ऑटोक्लेव दैट आई हैव एक्सप्लेन।
सेलेक्शन ऑफ ए मदर प्लांट एंड स्टेलाइजेशन, दैट मीन्स आपने मदर प्लांट सेलेक्ट किया, फिर आप किस तरह से एक्स प्लांट को प्रिपेयर करते हैं. इनोकुलेशन टेक्निक, मतलब इनोकुलेशन दैट इज इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ एक्स प्लांट टू द स्टेलाइज मीडियम, जो कि हम किस पे करते हैं, लैमिनर एयर फ्लो में. शिफ्टिंग ऑफ द कल्चर्स टू द ग्रोथ रूम्स, अब जो आपके कल्चर्ड, आपको जो ये फ्लास्क या कल्चर ट्यूब्स मिल गई हैं जहाँ पर कि आपने एक्स प्लांट को ट्रांसफ़र किया है, अब इनको आप कहाँ शिफ्ट करते हैं, ग्रोथ रूम्स में. ग्रोथ रूम्स क्या होते हैं, ग्रोथ रूम्स वो रूम्स होते हैं जहाँ पर कि जो टेम्परेचर है या आपकी लाइट कंडीशंस हैं, ह्यूमिडिटी है, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्लांट, जिससे कि वो आपके नॉर्मली ग्रो हो सकें. सब कल्चरिंग ऑफ कल्चर्ड सेल्स, ये क्या है, यदि 15-20 डेज के बाद जो आपका मीडिया है वो ड्राई होने लगता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होने लगती है और स्पेस भी, सपोज कैलस बनना शुरू हो गया है तो जो स्पेस है सेल्स को ग्रो करने के लिए वो भी कम होने लगती है, तो हमें 15-20 दिन के बाद उनको क्या करना होता है, सब कल्चर, मतलब जो भी आपका मटेरियल है उसको आपको नए कल्चर मीडिया वाले फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र करना होता है. ये प्रोसेस कहलाता है सब कल्चरिंग. अब आपको एक्सप्लांट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो भी आपका फ्लास्क के अंदर है दैट इज़ ऑलरेडी इन एसेप्टिक कंडीशन. नाउ एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है माइक्रो प्रोपेगेशन, मतलब प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी अचीव्ड थ्रू द प्लांट टिश्यू कल्चर फ्रॉम अ स्मॉल टिश्यू और इन अ लेस स्पेस एंड दे आर हाईली इकोनॉमिकल. नेक्स्ट सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर थ्रू विच जेनेटिकली इम्प्रूव प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड. इसके लिए कौन सी टेक्निक है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, जिससे कि क्या होंगे, दो सेल्स को जो कि सोमेटिक सेल्स हैं उनको आपस में फ्यूज कर सकते हैं और हम जेनेटिकली इम्प्रूव प्लांट बना सकते हैं. मेरिस्टेम एंड शूट टिप कल्चर के थ्रू हम वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं. जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं दे आर, जैसा आपको पता हो, वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करती हैं और जनरली वो जो पोर्शन है प्लांट का मेरिस्टेम टिप दैट इज़ फ्री ऑफ वायरस, तो जब उन टिश्यूज़ को हम कल्चर करते हैं तो हम डिजीज फ्री या वायरस फ्री प्लांट्स को रीजनरेट कर सकते हैं. थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर हाइब्रिडाइजेशन कैन बी अचीव्ड which produces hybrid plants with higher qualities. New plants can be regenerated without pollination. तो बिना pollination के भी हम जो नए plants को regenerate कर सकते हैं. Plant tissue culture is an excellent alternative way for the commercial production of plant derived like secondary metabolites. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे हम कहते हैं metabolic engineering. तो प्लांट का वो पार्ट जो कि वो मेटाबोलाइट बना रहा है, उस पार्ट को हम टिश्यू कल्चर के थ्रू रिजनरेट करवा सकते हैं और जो कॉमर्शियल लेवल पे जो मेटाबोलाइट्स हैं उनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं दे आर थेरापूटिकली वेरी यूजफुल. जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग इम्प्रूव्स द बायोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द कल्चर्ड सेल्स. उसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस जो प्लांट टिश्यू कल्चर की हैं, लाइक सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन. सिंथेटिक सीड्स क्या होते हैं, दे आर आर्टिफिशियली एनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियोज और शूट बड्स. मतलब जो भी आपने कल्चर थ्रू कल्चर आपने यदि सोमेटिक एम्ब्रियोज बनाए हैं या शूट बड्स हैं उनको हम एनकैप्सूल कर लेते हैं कैलिसिफाइड कैप्सूल के अंदर और उनको हम सीड्स की जैसे स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें आप उनको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. जर्म प्लाज्म प्रिजर्वेशन, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ एंडेंजर्ड एंड कॉमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज एंड इट कैन बी यूज्ड एनी टाइम इन फ्यूचर. सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या है, वैसे तो जनरली क्या होता है कि जो भी टिश्यू कल्चर प्लांट्स बनेंगे दे आर एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ मदर प्लांट, पर कई बार क्या होता है ये जो आपकी जो टिश्यू कल्चर में सेल्स बनी है उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन हो जाता है और समटाइम्स ये जो सोमेटिक सेल्स हैं दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स विद नोवल ट्रेट्स. जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, डिज़ायर्ड जीन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसके द्वारा हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस, स्ट्रेस रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं.
I hope this video will help you to understand the concept and techniques of plant tissue culture. And with this, I conclude my video. Thank you.